जितना इस देश के युवा को सिगरेट और बीड़ी नहीं नुकसान कर रहा है, उतना भारतीय जनता पार्टी नुकसान कर रहा है। आप एक चीज बताइए, मोदी जी अगर मुझे सुन रहे होंगे, मोदी जी आप सुन रहे हैं ना, बीजेपी का नाम बदल के पंडित रख दीजिए, अनुराग ओझा आपके साथ खड़ा है। रखेंगे जी, नाम बदलवा दीजिए। ये आप लोग कैसे कह देते हैं कि पार्टी का विरोध और धर्म का विरोध दोनों में बहुत विरोधाभास है। लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में सबसे बुजुर्ग हैं इस समय, धुलंधर हैं। वो तो पता ही चल गया, सिर्फ एक उंगली की, एक उंगली और पूरी भारतीय जनता पार्टी घूम गई। अब समझिए कि अगर जैसे इंडिया अलायंस में आए थे तब से ही ये घुमाने लगते तो आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में घूमने पर भी नहीं मिलती। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, इसको अंधभक्ति कहते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं। आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता पर। शर्म आनी चाहिए, मैं गुस्सा नहीं कर, शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, आप लोग महंगाई बेरोजगारी, सुनिए भाई। अरे महंगाई वास्ता जनता का प्यार था, सम्राट जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है। दे दिए बधाई। अरे बधाई तो हम इसलिए भी दे रहे हैं कि 24 में आपकी सरकार जाने वाली है, और बधाई इसलिए भी देंगे कि आप 2-4 महीना 6 महीना और राज कर लीजिएगा, 25 में आपकी भी सरकार जाने वाली है, बहुत बधाई देंगे हम। लेकिन आप का इतना तिल मिला रहे महाराज? तिल मिला ना रहे, कर रहे। पंडित जी कहते हैं कि हम, आप भी मोदी जी के परिवार हैं। देखिए मोदी जी का परिवार अनुराग ओझा कैसे हो सकता है? अनुराग ओझा ओझा ब्राह्मण है भाई, हम मोदी जी का परिवार कैसे हो सकते हैं? एक लाइन का बात तो ये है, पूरा देश परिवार। अरे झूठ बोल रहे हो, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। ये हम नहीं, सुनिए मैडम सुनिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोले, अमित शाह ने बोला है। जब मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे, अमित शाह ने कहा था भैया कि जुमला मतलब झूठा है ना, और इस देश में झूठों की जरूरत नहीं है मैडम। तो ये मोदी जी का हम परिवार मोदी जी के कहने से हो जाएंगे? मोदी जी कह दिया देशवासी हमारा परिवार है, तो अनुराग प्रधानमंत्री हैं देश के, मोदी नहीं देश के प्रधानमंत्री हैं, मानते हैं मोदी जी को, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनको मानते हैं। लेकिन मोदी जी हमसे झूठ बोलेंगे ये अनुराग ओझा को बर्दाश्त नहीं। स्मृति ईरानी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है हम हैं मोदी जी का परिवार, 140 करोड़। हाँ तो स्मृति ईरानी जी होंगी मोदी जी का परिवार भाई। हम देखिए एक चीज, सबका अपना अपना विचार है, संविधान सबको आजादी देता है, कौन किसका परिवार बनेगा कौन किसका परिवार नहीं बनेगा। अनुराग ओझा जबरदस्ती किसी को नहीं बना सकता है। हाँ लेकिन एक चीज है, आप जितने भी मीडिया के बंधु खड़े हैं ये सब मोदी जी के पत्रकार हैं, बिल्कुल। अरे मैडम आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है, आप लोग अपने अपने चैनल पे लिख दीजिए मैं मोदी का परिवार, लिखेंगे जी? नहीं क्यों लिखेंगे? जब आप सुनिए, रुकिए रुकिए, अरे रुको भैया, जब मैडम आप नहीं लिखेंगे तो हम बेवकूफ हैं। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, पत्रकार लोकतंत्र के, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, ठीक। अभी मैडम स्मृति ईरानी जी की बात कर रही थी, अमेठी में एक पत्रकार ने सिर्फ पूछ लिया था 13 रुपए किलो चीनी का रेट, ठीक। उसके साथ में स्मृति ईरानी जी ने क्या किया, चौथे स्तंभ को तोड़ दिया। अब चौथा स्तंभ मत बनिए, चौथा स्तंभ भी भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने के लिए बन के रह गया है। मैडम कोई भी इस देश का अरे कौन सा सवाल पूछे हैं जी, महंगाई कैसे कम की जाए, महंगाई कैसे कम की जाए, आप लोग उस पर सवाल पूछे हैं? बेरोजगारी कैसे कम किया जाए उसको पूछ रहे हैं आप? भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए? देखिए भारतीय जनता पार्टी को हटा दो सब कुछ चंगा हो जाए। मैडम एक चीज बताएं, जितना इस देश के युवा को सिगरेट और बीड़ी नहीं नुकसान कर रहा है उतना भारतीय जनता पार्टी नुकसान कर रहा है। महंगाई कैसे कम किया जाएगा थोड़ा बताइए। बिल्कुल देखिए पूर्ववर्ती सरकार में अगर हम जाते हैं तो महंगाई थी लेकिन विकास दर उस समय ठीक ठाक था, और आज का विकास दर डगमगा रहा है। मोदी जी कह रहे थे कि $5 ट्रिलियन की व्यवस्था तय करेंगे, इधर आके, अरे पत्रकार नहीं प्रवक्ता हैं आप, प्रवक्ता अगर बीजेपी के हैं, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो आप बात कीजिए। आप एक चीज बताइए कि जो 55 और 60 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलता था आज 100 रुपए पार हो गया है, बताइए महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है, महंगाई कैसे कम किया जाएगा ये बात बताइए। अरे सरकार बनेगी ना कांग्रेस, ये इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी हर चीज, सुनिए भाई सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। अभी राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि 30 लाख युवाओं को हर साल रोजगार, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप बीजेपी के अगर प्रवक्ता बन सकते हो तो मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता हूँ। सवाल आप का प्रवक्ता है, मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता हूँ, मैं इंडिया अलायंस का ही प्रवक्ता हूँ, मैं पूरे देश का प्रवक्ता हूँ। ऑथराइज है आप इंडिया अलायंस की ओर से? ठप्पा नहीं लगा है, ठप्पा नहीं लगा है ना, नहीं लगा है ना? हाँ नहीं लगा है। तो नहीं लगा तो प्रवक्ता कैसे हुए? नहीं तो मैं बता तो रहा हूँ कि अगर महंगाई बेरोजगारी भुखमरी भ्रष्टाचार किसान जवान और संविधान की आवाज उठाना प्रवक्ता बनना है तो मैं प्रवक्ता हूँ।
नहीं भाई, आपको प्रवक्ता कह भी नहीं रहा कि आपको इंडिया से आपको प्रवक्ता बनाया, मैं ऐसा कहा नहीं। नहीं, आप कहने का मतलब प्रवक्ता है, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता है ना, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना, बीजेपी के प्रवक्ता है या नहीं है, आप बीजेपी के प्रवक्ता है या नहीं है? इस देश का युवा पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब, इस देश का युवा पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है? बिल्कुल पिट रहा, पिट रहा है ना। इस देश की महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? क्या सुरक्षा? सुनिए भाई, इस देश का सबसे एक चीज बताइए, महिला का बलात्कार करिए, सुनिए भाई, महिला का बलात्कार करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आप लोगों का फूल माला से स्वागत किया जाएगा। इस देश में जितना भी भ्रष्टाचारी है, रात को भ्रष्टाचारी रहता है, मोदी जी के पास में फोन करता है, मोदी जी हम आपकी पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, उसको तुरंत सदाचारी घोषित कर दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 15 लाख कहे खाते में नहीं आए, भ्रष्टाचार का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? मोदी जी सुनिए भाई, सुनिए, मीडिया में बाइट देने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल, एक चीज बताए, हर आदमी के, सुनिए, हर आदमी के कान में बात तो पहुंचेगी ना। जो देश की मीडिया है, जो बड़की मीडिया है, वो हम लोगों की बात को यहाँ पे काट दिया जाता है, जो सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, वो गांव के अंतिम पायदान तक हमारी बात पहुंचाने का काम करता है। सुनिए मैडम, सुनिए, मैं जागरूक ही कर रहा हूँ, सुनिए भाई, सुनिए, 4 सालों से मैं देख रहा हूँ, गलत देख रहे हैं आप, इस सही नॉलेज लाइए, अभी हम 1.5 साल से बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, 1.5 साल से झूठ बोल रहे हैं आप, 4 साल से देख रहे हैं, लोगों को समझाया आप 1.5 साल में? बहुत लोग, हम एक चीज बताएं, हम जहाँ जाते हैं, समझाने के बाद आप क्या, बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन। वो लड़के अपने फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर डेली एक ना एक पोस्ट किया करते हैं, पिट रहा है, हाँ? नहीं पिट रहा, बिल्कुल पिट रहा है देश का, परेशान नहीं, बिल्कुल परेशान है किसान, परेशान है, आप बताइए किसानों का, एक चीज बताइए, मैं बता तो रहा हूँ, जिनकी आप चापलूसी और दलाली कर रहे हैं, सुनिए भाई, सुनिए, जिनकी आप चापलूसी कर रहे हैं, उन्होंने कहा तो सुनिए भाई, मैं बहुत मर्यादा में बोलता हूँ, मैं अनुराग ओझा ही बन के बात कर रहा हूँ, अनुराग ओझा बन के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बहुत बने हुए हैं, मैं बोझा, सुनिए भाई, शब्दों की मर्यादा आप बनाए रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोग ऐसे ही करता है, सुनिए, नहीं नहीं, हंसने से काम नहीं होता, यहाँ पे हंसा जाता है वहाँ पे जहाँ पे मुशायरा हो रहा, सुनिए भाई, सुनिए, आके यहाँ बोलिए, सुनिए, मुशायरा जहाँ पे होता है वहाँ पे हंसा जाता है, जहाँ पे तबाहें अपनी अदाएं बदल रही हो वहाँ पे हंसी मजाक किया जाता है, जहाँ पे जिस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, सुनिए, पंडित जी ना है आप, पंडित जी ना है, तो पंडित जी हैं तो बीजेपी को विरोध काहे करते हैं, किसका, पंडित जी सब मोदी जी को वोट देते हैं, अरे कौन पंडित जी, ये पंडित जी अगर अलग है, इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर दे या फिर और पार्टी को बीजेपी से हटके कर दे तो बीजेपी का विरोधी हो गया। अब मैं कह रहा हूँ मोदी जी अगर देश, सुनिए भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए हमारी, पहले अगर आपको बोलना है तो आप बोल लीजिए, हम चले जाएंगे, आप एक चीज बताइए, मोदी जी अगर मुझे सुन रहे होंगे, मोदी जी आप सुन रहे हैं ना, बीजेपी का नाम बदल के पंडित रख दीजिए, अनुराग ओझा आपके साथ खड़ा, रखेंगे जी, नाम बदलवा दीजिए, ये आप लोग कैसे कह देते हैं कि पार्टी का विरोध और धर्म का विरोध दोनों में बहुत विरोधाभास है। मैडम इस, ये पूरा देश ही पंडित है, ये पूरा देश इस एक समान है, क्योंकि इस देश में संविधान है, कोई अपने आगे पीछे पंडित भी लिख सकता है, कोई नहीं है, मैं गुस्सा नहीं कर, सर माननी चाहिए, सर माननी चाहिए, आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, आप लोग महंगाई बेरोजगारी, सुनिए सुनिए भाई सुनिए, अरे महंगाई बेरोजगारी, केवल मीडिया में आके बोल देने से महंगाई कम हो जाएगी, बिल्कुल, हम लोग सरकार में आएंगे, हम लोग अगर सरकार में आएंगे, स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है आपकी, सारे इंडिया हर बार भाग रहे हैं, देखिए एक चीज, जिनकी आप चापलूसी कर रहे हैं, जिनकी आप सीट के बंटवारे, सुनिए भाई सुनिए मुझे, वो पार्टी तय करेगा, वो पार्टी तय करेगा, जिनका आप चापलूसी सुनेंगे भाई, जिनकी आप चापलू बोलने दीजिए, ज्यादा तेज बोलने से सुमित पात्रा थोड़ी बनेंगे, सुमित पात्रा बनने बहुत बनने हैं, सुमित पात्रा बनोगे आप, टाइम आएगा, समय लगेगा भाई, समय लगेगा, एक मिनट नहीं होता है, लालू प्रसाद की बात बाद में कीजिएगा, पहले हम जो पूछ रहे आप उसका जवाब दीजिए, लालू प्रसाद यादव के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है इनके ऊपर, हर चीज से ढेर सारे मामले हैं, लेकिन जब अमित शाह जी बिहार आते हैं तो इनके ऊपर तमाम सवाल गढ़े जाते हैं, 11 बार जो है अपने रैली में लालू जी का नाम लिए जाते हैं, 6 बार सोनिया गांधी जी का नाम लिए जाते हैं, क्या लगता है लालू जी की प्रासंगिकता आज ही बनी है? अब आप कोई सोचने की जरूरत है, आप बहुत जल्दी बदल गए, इतना जल्दी तो नीतीश कुमार भी शायद नहीं बदले थे, समझ रहे हैं ना, अब एक चीज बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी, सुनिए भाई, अरे हमको बोल लेने दीजिए, हाँ हम उसी का जवाब ही दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में सबसे बुजुर्ग हैं इस समय, धुलंधर हैं, वो तो पता ही चल गया, सिर्फ एक उंगली की, एक उंगली और पूरी भारतीय जनता पार्टी घूम गई, अब समझिए कि अगर जैसे इंडिया अलायंस में आए थे तब से ही ये घुमाने लगते तो आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में घूमने पर भी नहीं मिलती,
अच्छा आप कह रहे थे कि मोदी जी जो है सन्यासी है। देखिए जो सन्यासी होता है, देखिए एक चीज होता है, जो सत्ता भोगी है वो सन्यासी नहीं हो सकता है। साधु संत का काम है हिमालय चले जाएं। अच्छा, बिहार में चाणक्य के एंट्री से क्या 24 के चुनाव पे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क। पिछली बार वो 39 सीट आ गई थी धांधली से, इस बार ईवीएम हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हट जाएगा, बिल्कुल हटना चाहिए। एक चीज बताइए, ईवीएम अगर रहता है तो मेरा मानना है कि मैं वोट डालता हूँ, सुनिए, तो ये पर्ची निकले कि मैंने किस पे वोट डाला है, आना चाहिए ना मैडम। अब हम डाल रहे हैं जी लालटेन पे, डाल रहे हैं पंजे पे, या अरे कितनी बड़ी धांधली हुई, कितनी बड़ी। अच्छा, उसमें बैलेट पेपर का हुआ, बैलेट पेपर का हुआ, कैसे बदला गया बैलेट पेपर, कितनी बड़ी धांधली हुई, हर चीज हुआ सकता है भाई। मैं क्या कह रहा हूँ कि विश्वास दिला पाएंगे कि लश्कर भी लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं।